हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे खाने से बच्चों का वज़न तेज़ी से बढ़ेगा और ये स्वाद में बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा, और इसे आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को लंच या डिनर में बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली सिंपल सी रेसिपी है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो फिर चलिए इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है। सबसे पहले हम ले रहे हैं ज्वार, तो मैंने 3 छोटे चम्मच ज्वार ली है। इसे हम पैन में डाल देंगे। इसी के साथ अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल, और आप चाहें तो इसकी जगह मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हम पैन में डाल देंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बादाम, 2 मैंने काजू लिए हैं, इसे भी हम पैन में डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को अब हम मिक्स करते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, और ये देखिए इसका कलर भी हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। रोस्ट की सामग्री को अब हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। तो सभी सामग्री हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है, और अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लिया है, ये देखिए। इसमें रोस्ट की भी सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे, और अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो 1/2 ग्लास हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से सेम इसी प्रोसेस से 2 बार वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है, और अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार, और इसमें हम ये जो वॉश की भी सामग्री है इसे ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हम 2 से 3 छोटे चम्मच पानी मिलाएंगे, और अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और सभी चीज़ों का एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लिया है, ये देखिए इसके ऊपर हम छलनी लगा देंगे, और ये जो मिक्स हमने ग्राइंड किया है इसे हम छलनी के ऊपर डालकर इसे अच्छे से छान लेंगे। तो चम्मच की हेल्प से इसे प्रेस करते हुए इस तरह से हम इसे छान लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के बीच में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए चम्मच की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से प्रेस करते हुए छान लिया है, और छलने के ऊपर ही हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, 2 से 3 छोटे चम्मच, जिससे कि इसमें जो भी बचा हुआ मिश्रण होगा अच्छे से छन जाएगा। तो मैंने इसे छानकर अलग बाउल में निकाल लिया है, और अब इसे हम पका लेंगे। तो रेसिपी बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है, और अभी जो मिक्स हमने बनाकर तैयार किया है इसे हम पैन में डाल देंगे। थोड़ा सा इसे हिलाते हुए डालेंगे, और साथ ही हम इसमें मिलाएंगे 1 ग्लास के लगभग पानी। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, और मिक्स करने के साथ ही अब इसे हम पकने देंगे लगभग 2 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और चम्मच हमें इसमें चलाते रहना है, नहीं तो ये तले पर लग भी सकता है। तो अब इसे हम पका लेते हैं। तो ये देखिए फूड को पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये फूलना भी शुरू हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ापन भी इसमें आ गया है। तो बस इसी तरह से हमें इसे और पका लेना है, और पकते पकते अगर ये फूड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें पानी मिलाकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी समय पर अब इसमें हम मिला देंगे 1/2 छोटा चम्मच ब्राउन शुगर, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर देंगे, तो आप चाहे तो घी स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से, और इसे 2 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पर और पका लेंगे। तो ये देखिए फूड को पकाते हुए मुझे 2 मिनट और हो चुके हैं, सभी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से पक गई हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। तो बस अभी हमारी हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है छोटे बच्चों के लिए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसे हल्का सा ठंडा होने पर आप इसे अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं।
और ये लीजिए डियर पेरेंट्स, बनकर तैयार हो चुकी है हमारे घर के बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन रेसिपी। तो अगर आपके बच्चे रोज़ रोज़ दलिया सूजी खाकर बोर हो चुके हैं तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को स्वाद में भी काफ़ी पसंद आएगी और वज़न बढ़ाने में काफ़ी लाभदायक रेसिपी है, और इसे आप सप्ताह में 2 से 3 बार बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से फूड बदल बदल कर खिलाएंगे तो बच्चों को कभी भी बोरियत महसूस नहीं होगी, बच्चा इसे स्वाद लेकर खाएगा, साथ ही बच्चों का पेट भी अच्छे से भर जाएगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप इसे अपने बच्चों के लिए। और कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की नई नई और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।